आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का एक और बड़ा असर, जम्मू में एनआईए ने आतंकी फंडिंग के मामले में दो ठिकानों पर छापे मारे। सैयद अली शाह गिलानी के करीबी देवेंद्र सिंह बहल के ठिकानों पर एनआईए ने मारे छापे। हुर्रियत नेता गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश के घर से मिला विवादित कैलेंडर। कैलेंडर में अगस्त 2016 को सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश का सबूत। फंटूश के घर मिले कैलेंडर में 6 अगस्त 2016 से 16 अगस्त 2016 तक सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन का प्लान। आज तक स्टिंग ऑपरेशन के बाद एनआईए ने बिट्टा कराटे नईम खान समेत 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया। जारी है छापेमारी। पुलवामा के तबाह गांव से आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की मुठभेड़, दो आतंकवादियों को ढेर किया। एक घर में छिपे थे आतंकी, सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर कर रहे थे फायरिंग। तबाह गांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने खाली कराया पूरा गांव, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में शांति स्थापना के लिए दौड़े लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस ने रन फॉर पीस का आयोजन किया। हरिद्वार में गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन, आंसू गैस के दागे गायक गोले। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, सुरक्षा बलों ने की पानी की बौछार। मुंबई में जुहू बीच पर अलग गोरखालैंड की मांग उठी, समर्थकों ने किया प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दिखा अभिनेता से बने नेता कल्याण का जलवा, समर्थकों की उमड़ी भीड़। पवन कल्याण के विशाल रोड शो में गाड़ियों की कतार के साथ घोड़े भी आए नजर। विशाखापट्टनम में हार्वर्ड के डॉक्टर की टीम से मिले संजीवनी चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण। 34,000 किडनी के मरीज होने के बाद विदेशी टीम आई है दौरे पर। गुजरात कांग्रेस के 42 विधायक बेंगलुरु में रिजॉर्ट में कर रहे हैं मौज, कांग्रेस ने टूट से बचाने की बताई कवायद। बीजेपी ने कांग्रेसी विधायकों पर उठाए सवाल, कहा बनासकांठा बाढ़ से बेहाल, लेकिन जनता को छोड़ विधायक कर रहे हैं रिजॉर्ट में मौज। कांग्रेस छोड़ने वाले शंकर सिंह वाघेला ने राज्यसभा में अहमद पटेल के समर्थन का किया ऐलान, बोले मुझे पटेल ने ऑफर की थी राज्यसभा की सीट। नीतीश मंत्रिमंडल में हम विधायक को जगह नहीं मिलने से नाराजगी की खबर को मांझी ने बताया गलत, लेकिन पासवान के भाई को मंत्री बनाए जाने से नाराज। मांझी ने कहा रामविलास पासवान के भाई न तो विधायक और न ही विधान परिषद के सदस्य, फिर कैसे बन गए मंत्री। जय श्री राम का नारा लगाने वाले जेडीयू नेता और नीतीश सरकार के मंत्री खुर्शीद पर फतवा जारी, इमारत शरिया ने जारी किया फतवा। खुर्शीद का जवाब, इतना कमजोर नहीं मेरा दीन ईमान कि राम का नाम लेने से बदल जाए, सिर्फ खुदा जानता है कि मैंने क्यों लगाया श्री राम का नारा। दबाव में झुक गए खुर्शीद, मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात के बाद कहा अगर मेरी बात या नारे से किसी को ठेस पहुंची तो इसके लिए मांगता हूं माफी। नीतीश को बधाई देने बेटे चिराग के साथ पहुंचे रामविलास पासवान, बोले पहले जो भी विरोध था वो लालू की वजह से। सूत्रों के अनुसार एनडीए से जुड़ने के लिए शिवपाल दो विकल्पों पर कर रहे हैं विचार, जेडीयू में शामिल होकर या फिर अलग पार्टी बनाकर शामिल हो। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार का नया फरमान, लाल नीली बत्ती पर बैन के बाद अब यूपी में गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखने पर लगाई रोक। यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जारी किया आदेश, यूपी में अब गाड़ियों पर नहीं लिखा जा सकेगा उत्तर प्रदेश सरकार। सीएम योगी ने संघ नेताओं से आज समन्वय बैठक की, आरएसएस के हेडक्वार्टर में हुई बैठक। योगी के एंटी रोमियो स्क्वाड के बीच आगरा में बीजेपी की महिला नेता की मंचलों से परेशान, दी आत्महत्या की धमकी। आगरा बीजेपी की नेता एकता सिंह ने पड़ोसी युवक पर घर में घुसकर वसूली की और धमकाने का लगाया आरोप, दर्ज कराई शिकायत। पंजाब में छेड़खानी के आरोप में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संगनोड़ा, रूपनगर में केस दर्ज।
बनासकांठा में सैलाब की तबाही के बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। सैलाब में फंसे एक बीमार को किया गया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए शख्स की खराब किडनी है, फौरन डायलिसिस की थी इसको जरूरत। गुजरात में सैलाब की तबाही से अब तक 142 लोगों की जा चुकी है जान, 60 लोगों की बनासकांठा में हुई मौत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बनासकांठा पर्यटन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, 5 दिन का कैंप करेंगे। राजस्थान के जालौर में सैलाब से भीषण तबाही, हवाई सर्वे में दिखा बर्बादी का मंजर। जालौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से गिराई गई मदद। खगड़िया में मोरकाही में कोसी नदी में डूबकर दो बच्चों की मौत, दो को सुरक्षित बचाया गया। सैलाब से हिमाचल के कांगड़ा की बानेर नदी में उफान, जोखिम उठाकर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। आज रात और कल दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जताई संभावना। 24 परगना में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। मुंबई के विले पार्ला में बीएमडब्ल्यू और टाटा की टक्कर, एक की मौत एक घायल। मथुरा के गोवर्धन कस्बे में दबंगों ने सेल्समैन को पीटा, सिगरेट बेचने से थे खफा। हैदराबाद में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने में आगे आए सीनियर सिटीजन, महिलाओं और बच्चों ने भी दिया सहयोग। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सड़क पर आए हाथी ने देर तक यात्रियों को छकाया, रुका रहा ट्रैफिक। आज बीजेपी ने बुलाया केरल बंद, त्रिवेंद्रम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप। संघ कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। संघ कार्यकर्ता की हत्या के बाद दिल्ली में सीपीएम दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रदर्शन और तोड़फोड़ की आशंका। गृह मंत्री ने केरल में हिंसा पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से की बात, स्थिति की ली जानकारी। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड ने जहाज से 15 किलो हेरोइन बरामद की, 3,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत। दिल्ली के वसंत कुंज में ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की को अगवा करने की कोशिश, ऑटो कार से कूदकर खुद को बचाया। बांकुरा के स्कूल में बाथरूम में भूत के अंधविश्वास की खबर, 16 लड़कियां हुई बेहोश। 16 लड़कियों की बेहोशी की बात जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम, बाथरूम में नहीं मिले किसी भी अनहोनी के निशान। दरभंगा में हुआ दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबती मासूम को बचाने में 5 बच्चियों की डूबकर मौत। इंदौर एयरपोर्ट पर पार्किंग चार्ज मांगना कर्मचारी को पड़ा महंगा, कार से धक्का देकर भागा ड्राइवर, आगे जाकर पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद की, 2 नाइजीरियाई युवकों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ में 26 जुलाई को पिता बेटे की हत्या में 4 गिरफ्तार, कूलर हटाने को लेकर हुआ था विवाद। गुरुग्राम में मॉडल की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 के खिलाफ केस दर्ज किया, एक महिला भी शामिल। मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा टला, पुल की मरम्मत के काम में लगी क्रेन अचानक से नीचे गिरी। नागपुर में प्राइवेट बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी। मथुरा में कार में अचानक से आग लग गई, बाल बाल बचा सवार। यूपी के आजमगढ़ में जहर खुरानी गिरोह का सरखना गिरफ्तार, कार समेत लूट का सामान बरामद। यूपी के मथुरा में लापता हुई 4 साल की बच्ची का कोई सुराग नहीं, आक्रोशित परिजनों ने पुलिस थाने का घेराव किया। देवबंद में गैंगरेप पीड़िता ने किया आत्महत्या की धमकी, 48 घंटे में वारदात में 4th आरोपी को पकड़ने की मांग।
गोरखपुर पुलिस ने दर्ज किया 80,000 रुपए की धोखाधड़ी का क्या है केस। पुलिस ट्रैफिक ने पैसे लेकर जारी किया था ग्रीन कार्ड। पटना के आलमगंज में किन्नर की हत्या के आरोपी पर साथियों ने बोला हमला। बिहार के गया में पुलिस ने रेड लाइट इलाके में छापे मारे, 20 युवतियों और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया। भोपाल में एयरपोर्ट पर ट्रैफिक टीआई के बैग से जिंदा कारतूस मिले, टीआई को पुलिस के हवाले किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 पिस्टल 6 कट्टों के साथ 14 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बदमाश को दबोचा, कार समेत देसी कट्टा जिंदा कारतूस जब्त। अलवर में छावनी में तैनात जवान ने पेड़ पर फांसी लगा करके आत्महत्या, वजह साफ में। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दे दी जान। पंजाब के संगरूर में 6 लाख के कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या, जहर पी लिया। अमृतसर में बेटी के प्रेमी को घर वालों ने उतारा मौत के घाट, लड़की को घर छोड़ने आया था युवक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMIM कार्यकर्ताओं ने किया तस्लीमा नसरीन का विरोध, तस्लीमा को वापस लौटना पड़ा। हरियाणा के रोहतक में हेल्थ यूनिवर्सिटी में पैसे लेकर पेपर पास करवाने का मामला, 2 युवकों को 300 आंसर शीट के साथ पकड़ा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जहरीली शराब का कहर, 2 की मौत, 30 की स्थिति गंभीर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस को मिली कामयाबी, 3 खतरनाक नक्सली गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पन्ना में मिड डे मील पर सवाल, भोजन खाने के बाद 21 बच्चे बीमार। शनिवार को संजय दत्त ने मनाया 98वां जन्मदिन, फिल्म भूमि का लुक किया लॉन्च। बिग बॉस के नए सीजन में सलमान की जगह नहीं लेंगे अक्षय कुमार, शो होस्ट करने की खबरों किया खारिज। माधुरी दीक्षित की जिंदगी पर कॉमेडी सीरीज बनाएंगी प्रियंका चोपड़ा। मल्टी स्टारर आमिर खान ने गुजरात असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बार्सिलोना में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भड़की भाषण किया, भीषण आग, हजारों लोगों को किया गया रेस्क्यू। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़, 2 की मौत, कई घायल। लेबनान में हिजबुल्ला ने पत्रकारों को कराया वॉर एरिया का दौरा, सीजफायर के बाद शांत है इलाका। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलों में भीषण आग लगी, शांत हुई, लोग वापस लौट रहे हैं घर।